Hello students. So as I was solving the NEET 2024 physics questions and with explanation, and I'm continuing in this video from question number 10 to question number 20. Okay, let's do it. So 10 question tak ho gaya tha. We'll start from afterwards. 11 se. Theek hai, 10th ho gaya, 11. 11th assertion reason है, we can do it right here. Okay, 11. Okay. Atoms are electrically neutral as they contain, atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. Okay. So, of course, if atoms are neutral, right, number of electron protons, they are same. ये काफी आसान स्टेटमेंट है एंड इट इज करेक्ट. एंड नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम. ठीक है, बोस स्पेक्ट्रम मॉडल यही है. ठीक है, दैट इमिट एटम्स स्टेबल होंगे अगर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बैलेंस होगा, और देयर वुड बी एमिशन इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. जो बोस वाला मॉडल पूरा लैम्डा वगैरह निकालते हो, दैट इज वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, फर्स्ट वाला. नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है, यहीं पे कर लेते हैं. एक बॉब है, बॉब मतलब ऐसे एक स्फीयर मान सकते हो. इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाई मीन ऑफ स्प्रिंग विद इनिशियल ओमेगा. बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पे एक बॉब है. टेल मी वन थिंग, अगर सेंटर से यहाँ पे कोई मास ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको टेंशन कौन देगा? बताओ, कौन टेंशन देगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? और इसमें कह रहा है अगर रेडियस सेम हो, केवल ओमेगा को डबल कर दिया जाए, तो टेंशन कितना हो जाएगा? रेडियस सेम है, मास भी सेम है, ओमेगा डबल हो रहा है, तो टेंशन 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा, राइट? ये वन ऑफ द आसान क्वेश्चन में से है. ठीक है, 12th का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्टीन थ्योरेटिकल है, बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए. सोलर सेल का जो आईवी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ठीक है, बाय द वे आई डिड नॉट नो कि ये क्वाड्रेंट भी पूछेंगे. एक्चुअल में आई वी कैरेक्टरिस्टिक पूछो यार, ऐसे क्वाड्रेंट पूछने का क्या मतलब है? एनी वे मे बी ऐसा क्वेश्चन होता हो, मुझे अवेयर नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. ओके, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आई वी कर्व होता है, क्यों क्वाड्रेंट फोर्थ में लाई करेगा? बाय द वे होता कैसा है? ऐसा, ये आई है, ये वी है, ये क्वाड्रेंट फोर पूछने का भी एक तरीका हो गया उनका. ठीक है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि सोलर सेल में आपको करंट ड्रॉ नहीं करता है, करंट इट गिव्स द करंट. ठीक है, सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ अ करंट फ्रॉम सर्टेन सोर्स, राइट? इट गिव्स द करंट. ठीक है, किसको करंट देता है? किसी लोड को. ठीक है, किसी लोड में करंट देता है. ठीक है, तो दैट इज वाई इन द बिगिनिंग यहाँ पे नेगेटिव करंट शो हो रहा है. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट विथड्रॉ करंट. ओके, इट गिव्स द करंट. ओके, गिवन करंट यहाँ पे, इस वजह से ये नेगेटिव एक्सिस पे है, और दैट इज वाई इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, करंट इज सप्लाइड नॉट नॉट विथड्रॉन, तो दैट इज द कीवर्ड आपको समझना चाहिए, इसलिए नेगेटिव करंट है. ठीक है, चौथा, सॉरी, सेकंड ऑप्शन में क्या देख, तो ये ए वाला ये करेक्ट है, राइट? इसमें क्या कह रहा है? इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर एंड इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. यार एक बार सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस में कोई करंट होती है? नो, करंट इज जीरो. हैंग ऑन, मुझे पता है क्या बहुत सोच रहे हो आप, करंट जीरो होती है, बट देयर इज करंट. माइक्रो एम्पियर में करंट, कैन यू बिलीव? बहुत ही कम अमाउंट में करंट है. तो माइक्रो एम्पियर में करंट कब कब आता है? जब आप सप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाते हो और एक लीकेज करंट टाइप का आ जाता है, उसे माइक्रो वो, और उस बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है. ठीक है, बट व्हाई डज दैट करंट इज प्रेजेंट एट ऑल? बिकॉज ऑफ
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? नो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। रिवर्स बायस की बात हो रही है। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल क्या होगा बताओ? नथिंग। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होगा। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ना, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जिसने भी लगाया ये, इसने यही मिस्टेक किया है। ठीक है, मेजोरिटी आई थिंक भूल गया, देख नहीं पाया स्टूडेंट ने। ठीक है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको दिया है, वर्क डन पूछा है। बाय द वे, साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? बी सी में, राइट, ये वाला प्रोसेस। इसमें वर्क डन पूछा है, पी इंटू डेल्टा वी, राइट। डेल्टा वी कितना है? जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ये सब आसान क्वेश्चन में से, यहाँ पे देखो ये भी एक आसान क्वेश्चन वैसे ही, बट इसमें दिमाग लगाना है। अथेन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सी और पी। इसी को अगर लैंग्वेज में देखा दिया होता क्वेश्चन, तो यू वुड हैव थॉट कि थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सेल है, चार्ज है, सरफेस पे चार्ज होगा। सेंटर से लेके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर। ई जीरो है तो डीबी बाई डी आर जीरो, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। क्या है आपको? इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन, ये जानना है कि ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है सी और पी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, 15th। हो गया 16th क्वेश्चन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज दिस लेंथ दिस नियरली। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, रॉड की मिडिल पॉइंट से कितना होता है बताओ? एम एल स्क्वायर बाई 12। कितना दिया है? 2400। यहीं पे हो जाएगा ये, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ पूछा है, मास दिया है। देखो कैसे फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन को, इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2400, राइट। 00 कैंसिल्स आउट, 4 6 जा 24। एल स्क्वायर कितना आ गया? 6 इंटू 12। 12 को 6 इंटू 2 लिख दो, एल कितना आ जाएगा? 6√2। √2 1.4 होता है, 1.4 यानी 14। 14 6 जा 84, वन प्लेस पे डेसिमल, 8.4, 8.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 17th देखो, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं कई एक वीडियो है मेरी, बहुत अच्छे से पूरा डिराइव करके अच्छे से समझाया हूँ। गो वॉच दैट वीडियो, अगर हो सकेगा तो मैं लिंक इसमें वीडियो का लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। देखो यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्क यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी नहीं। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये जगह है, सर्कुलर मोशन है, इसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, राइट। वेलोसिटी कैसे पता करेगा? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो पहली बात, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऑप्शन गलत हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी ये गलत हो गया, ऐसे एलिमिनेट किया करो, क्लैरिटी आती है। वेरिंग वेलोसिटी, यस ये सही है। एक्सीलरेशन वेरी करेगा, एक्सीलरेशन होगा क्या? सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल हमेशा क्या, हाँ, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, और हर एक लोकेशन पे वो रेडियल डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तो वेरिंग एक्सीलरेशन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा। ठीक है, 18th क्वेश्चन करते हैं। देखो 18th क्वेश्चन में कितना सिले मिस्टेक कर सकते हो आप। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, फोटोन के बारे में बात कर रहा है। इक्वल टू एच न्यू, अगर आप सो के भी उठे हो पूछ लूंगा तो आई थिंक दी टेस्ट करेंट बता लेंगे। वेलोसिटी ऑफ फोटोन, सी से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू एच अपॉन लैमडा होता है। देखो कैसे एच अपॉन लैमडा को मैनिपुलेट किया है, वी इक्वल टू न्यू लैमडा होता है, राइट। तो लैमडा इज इक्वल टू वी, कितना है वेलोसिटी? सी बाई न्यू रख दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच अपॉन पी, राइट, सॉरी एच अपॉन लैमडा, एच अपॉन सी न्यू, एच न्यू बाई सी। ठीक है,
तो ये भी सही हो गया, सी वाला, एबीसी सही है। फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं भाई फोटोन न्यूट्रल होते हैं, कहाँ पॉजिटिव चार्ज फोटोन पे दे रहे हो। ठीक है, तो ई गलत हो गया। एबीसी सही है, एबीसी सही है, केवल एक ऑप्शन में ई गलत है, इसमें सी नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें बी नहीं है तो ये गलत हो गया। डी के बारे में अगर नहीं भी पता होगा तब भी आप ऑप्शन सही ऑप्शन लगा के आ सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 18th, राइट, 18th का, हाँ ऑप्शन टू। बस मैं मैच कर ले रहा हूँ अपने आंसर से जो मैं किया था, यहाँ पे मिस्टेक ना कर दूं मैं। ओके, इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। बाय द वे, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन क्रॉम्पटन इफेक्ट एक होता है, सॉरी नॉट क्रॉम्पटन, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है। ठीक है, डी, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें देखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन, दिया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स पावर निकालना है। देखो ये भी, पावर इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना होता है? फोर्स दिया है आपको 5, वेलोसिटी इसको जब डेरिवेटिव ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है राइट, और डीएक्स अपॉन डीटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 10, 10 मोड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 19th का फर्स्ट, 20th, हाँ ओके, 20th इज द वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई थिंक इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूं, अगर ये इनकरेक्ट नहीं है तो फॉर नाउ अभी के लिए मुझे नहीं आता है, तो आई आई विल, अगर करेक्ट क्वेश्चन है तो आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल डू इट लेटर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन कमेंट अंडर द वीडियो फॉर इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक्स और एनीथिंग और एनी फीडबैक, यू वॉन्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।